नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। आज एक विशेष कारण से मैं लाइव आया हूँ। गोपालगंज में एक ट्रिपल मर्डर केस हुआ है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत तरह की अफवाहें चल रही हैं। ज़्यादा लोग जो पूरी तरह से घटना को नहीं जानते हैं, वो गलत तरह की अफवाहों के चलने के कारण गलत परसेप्शन भी बना लेते हैं और उस परसेप्शन के आधार पर टिप्पणी भी करने लगते हैं। कुछ लोग सच्चाई को जानते हुए भी गलत मोटिव से कुछ लिखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादा लोग इनोसेंटली, चूंकि वो नहीं जानते हैं कि सच्चाई क्या है, इसलिए वो अलग तरह से परसेप्शन बना लेते हैं। तो मैं लाइव आया नहीं, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया। नहीं तो हर घटना पर, हर मर्डर के केस में या किसी भी केस में डीजीपी को लाइव आने की जरूरत नहीं है। हमारे एडीजी हेडक्वार्टर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने आज तक 1.5 साल में कोई पीसी नहीं की है, एक भी पुलिस मुख्यालय से एडीजी हेडक्वार्टर पुलिस विभाग के प्रवक्ता, और हर महत्वपूर्ण घटना पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे आना पड़ा। सोशल मीडिया पर इतने तरह की खबरें चली कि मुझे जबरदस्ती आना पड़ा ताकि लोगों को मैं बता सकूं कितने बड़े बड़े जनसंहार हुए हैं इस बिहार में, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। कभी डीजीपी कोई आता है फेसबुक लाइव पर, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन ये कांड थोड़ा अलग है। जैसे हत्याएं तो बहुत होती हैं, तो सब हत्या का केस देखने कोई डीजीपी जाता? कोई डीजीपी किसी मर्डर केस, डकैती, कोई केस देखने नहीं जाता। लेकिन मैं गोपालगंज गया, किस लिए गया? कि वो हत्या का जो केस हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण था। 5 बच्चे हैं, 3 मुसलमान के हैं, 2 हिंदू के हैं, 5ों माइनर हैं, आपस में खेलते हैं, एक साथ घूमते हैं, बहुत गहरी दोस्ती है, रोज की तरह एक दिन खेलने जाते हैं। 4 बच्चे तो शाम को लौट आते हैं, 1 बच्चा नहीं आता है। बच्चे के घर के लोग पूछताछ करते हैं, ये 4ों बच्चे झूठ बोलते हैं। कड़ाई से पूछताछ होती है तो सुबह बताते हैं 1 बच्चा नदी में डूब गया। आगे आगे आते हैं, पीछे से पूरा गांव आता है, उस पर तो अनुसंधान चल रहा है, डूब गया या डुबाया गया। लड़के के पिता ये प्राथमिकी दर्ज करते हैं कि इसको मार करके डुबा दिया गया, और 4ों दोस्तों को अभियुक्त बनाते हैं, 2 और को बनाते हैं। अब मार कर डुबा दिया गया या डूब करके मारा, लेकिन कहीं दिल्ली से बैठे बैठे कोई न्यूज चला देता है कि बालक की मस्जिद में बलि दे दी गई। अब इतना बड़ा हंगामा मचता है, ये न्यूज इतनी तेजी से फैलता है कि पूरे गोपालगंज ही में नहीं, गोपालगंज के बाहर आसपास के पड़ोसी राज्यों में और दिल्ली तक बड़े बड़े लोग ट्वीट करने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, और बाहर ये परसेप्शन बनने लगता है गोपालगंज गांव के बाहर कि सही में किसी हिंदू लड़के की मस्जिद में बलि दे दी गई। डीआईजी को भेजता हूँ, एसपी को बोलता हूँ, वो भी जाते हैं, खंडन करते हैं, प्रेस को बताते हैं कि सांप्रदायिक मामला नहीं है, लेकिन कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है कि पूरा बिहार कहीं ऐसा न हो कि फसाद में फंस जाए, मजहबी नफरत की आग में झुलस न जाए, तो मुझे जाना पड़ता है। हर मर्डर केस में मैं थोड़े ही जाता, और मैंने वहां जा करके किस तरह से उस चीज को हैंडल किया। अगर मैं नहीं जाता और पूरे बिहार में ये आग लग जाती तो आज क्या हालत होती, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
तो ऐसे विशेष मामलों पर मैं कोशिश करता हूं कि जनता को सच्चाई रख सकूं। अब ये बताइए कि मैं जो गोपालगंज के बारे में बताना जा रहा हूं उसको पहले से अगर पूर्वाग्रह बना करके आप बैठे हैं किसी पक्ष या विपक्ष में, और आप ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। और सबका अपना परसेप्शन है, अपना बिलीफ सिस्टम है, अपना एटीट्यूड है, अपना इंटेंशन है, अपना मोटिव है, उसी हिसाब से आप चीजों को जज करते हैं। उसमें आपका सोशल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, बहुत सारे बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं जिससे आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, परसेप्शन बनता है। तो आपका मोटिव पहले से अगर कुछ उल्टा होगा, या इसको अगर आप जात के चश्मे से देखेंगे, दल के चश्मे से देखेंगे, मजहब के चश्मे से देखेंगे, तो आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं जो हमको सुन रहे, एकदम निष्पक्ष भाव से मन को एकदम साफ रख करके खुले दिमाग से मेरी बात को सुनिए, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट पर आधारित, तथ्य पर आधारित तथ्य बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। इसमें अपनी बात नहीं बोल रहा हूं जो केस के बारे में। गोपालगंज में तीन घटनाएं हुई हैं लगातार, इन तीनों को आप समझ लीजिए और तीनों की क्या स्थिति है उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप अगर निष्पक्ष हैं तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 3/5/20 को एक मारपीट की छोटी घटना होती है जिसमें सतीश पांडे, मुकेश पांडे अपने गांव में किसी भगवान तिवारी को पीटते हैं और उसका एक मुकदमा होता है, उसमें उनका वारंट प्रे हुआ, अरेस्ट भी हो गया, वो तो बात अलग है, मैं हत्या की बात कर रहा हूं। सबसे पहले 9 मई को उचका गांव थाना में बरवा मठ के पास शंभू मिश्रा नामक एक व्यक्ति की हत्या होती है। इस शंभू मिश्रा की हत्या में 6 आदमी का को नामजद अभियुक्त बनाया जाता है। इसमें 2 आदमी के विरुद्ध जांच में आरोप के लिए अभी साक्ष्य नहीं आया है, 4 आदमी के विरुद्ध साक्ष्य आया है। तो पहली हत्या, इसमें एक ही आदमी की गिरफ्तारी हुई है, 3 फरार हैं, 2 के खिलाफ साक्ष्य नहीं आया है। ये पहली हत्या है 9 मई को, जिसमें जो सतीश पांडे है उसके किसी नज़दीकी आदमी, जो बहुत दिन से बताया जाता है 30 साल से उनके साथ रहते थे, शंभू मिश्रा की हत्या होती है। ये पहली। उसके बाद ये बहुचर्चित कांड, ट्रिपल हत्याकांड की घटना होती है 24 मई को, ये हथुआ थाना में होती है। इसमें अपराधी आते हैं, अब घटना कैसे होती थी, अपराधी आते हैं, अपराधी का लक्ष्य क्या है, टारगेट कौन है, जयप्रकाश चौधरी, उनको मारने के लिए आते हैं, उतर के उसके बारे में पूछते हैं। जयप्रकाश चौधरी जी के पिताजी महेश चौधरी भी वहाँ हैं, उनकी माँ संकेतिया देवी भी वहाँ हैं, उनके भाई शांतनु चौधरी जी वो छत पर हैं। जैसे उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग अपराधी हैं और जयप्रकाश चौधरी को मारने के लिए आए हैं, तो डंडे से दो लाठी महेश चौधरी मारते हैं एक अपराधी को, संकेतिया देवी अपने बचाव में ईंटा फेंकती हैं, और ऊपर से शांतनु चौधरी अपने भाई के जीवन की रक्षा के लिए गाली देते हुए बोलते हैं मैं तुरंत उतरता हूं। ये तीनों लोग को ये अपराधी गोली मार देते हैं, गोली जयप्रकाश चौधरी को भी लगती है, वो आज भी हॉस्पिटल में है, मुझे ये भी नहीं पता था कि पीएमसीएच में है, आज हमको पता चला। तो 3 व्यक्तियों की ये मृत्यु होती है, एक मोटरसाइकिल वहां से बरामद होती है,
अब ये 24 तारीख को शाम को घटना होती है, बयान आता है, 25 को इसका सुबह में FIR होता है। इसमें चार आदमी को अभियुक्त बनाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। बादी हैं इसके जयप्रकाश चौधरी जी, जो चार आदमी को प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त बनाते हैं। पहला सतीश पांडे, दूसरा मुकेश पांडे, तीसरा बटेश्वर पांडे। तीन आदमी को ये गोली मारने के प्रत्यक्षदर्शी, मतलब ये जो गवाह जिसको कह सकते हैं, वो कहते हैं ये तीन आदमी ने गोली मारी। एक अन्य पप्पू पांडे के बारे, जो माननीय वहां के विधायक हैं, इनका कहना है कि चार दिन पहले इन्होंने हमको धमकी दी थी, तो इसमें इनकी साजिश हो सकती है। मैं एकदम टेक्निकल लीगल पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप जो सुन रहे हैं उसमें वकील भी होंगे, विद्वान भी होंगे, पुलिस के भी लोग होंगे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग भी होंगे। आप देखिए, बादी ये नहीं कहता कि गोली मारने में यहाँ पप्पू पांडे भी थे, वो कहता है लिखित कि चार दिन पहले हमको एक जगह पर मुकेश पांडे और पप्पू पांडे ने रोका, रोक कर हमको धमकी दी। यहां घटना स्थल पर पप्पू पांडे के होने की बात तो बादी भी नहीं करता, साजिश की बात करता है। अब साजिश दो, साजिश क्या है? साजिश आपके मन का संदेह भी हो सकता है, मन का विश्वास भी हो सकता है, ये सच भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। कानूनी रूप से चार्जशीट करने के लिए साजिश के बिंदु पर अनुसंधान करके साक्ष्य जुटाना पड़ता है और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें समय लगता है। मेरा इतना ही कहना है, तीन आदमी जिसको बादी ने बताया कि ये गोली मारने में थे, सतीश पांडे, मुकेश पांडे, बटेश्वर पांडे, तीनों गिरफ्तार। FIR होने के साथ, जैसे FIR होता है और हमारे ये जो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, तीन आदमी की अंतिम संस्कार होने के लिए जाता है, चिता में आग लगाई जाती है, पूरी तरह से संस्कार संपन्न भी नहीं होता है, उसके पहले पुलिस मेरे आदेश पर, जैसे मुझे सूचना मिलती है, मैंने कहा तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत सतीश पांडे की गिरफ्तारी होती है, मुकेश पांडे की गिरफ्तारी होती है 25 को FIR, 26 को इनकी, और एक जो बचा हुआ बटेश्वर पांडे उसकी भी आज गिरफ्तारी। तीनों जिसको घटनास्थल पर गोली मारने की बात बताई जाती है, तीनों की गिरफ्तारी हो गई, इसमें नहीं कोई बचा जिसका नाम दिया गया। अब एक चीज, एक केस देखिए, ये केस होता है हत्या 24/5/20 को, लेकिन उसके तुरंत बाद, यह घटना के बाद पुलिस FIR करती है, सतीश पांडे मुकेश पांडे की गिरफ्तारी करती है, बटेश्वर पांडे की गिरफ्तारी हो गई, SIT बनाई जाती है DIG के नेतृत्व में, पूरा STF की टीम भेजी जाती है, CID की टीम भेजी गई है, UP पुलिस के साथ हम लोग लाइजनिंग करते हैं और लगातार उसके संपर्क में आकर के सारे गिरोहों के बारे में, जो यूपी के साइड में छुपे हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लगातार छापेमारी होती है। और गोपालगंज के लोगों को अब पता चलता होगा, वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, कि किस तरह से वहाँ जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं, चाहे इस गिरोह के चाहे उस गिरोह के, बिना जात, बिना मजहब, बिना दल, बिना संप्रदाय के भेद के, किस तरह से दबिश बना करके कार्रवाई पुलिस कर रही है। एक दर्जन लोग जेल भेजे जा चुके हैं और आगे मैं इतना ही संकेत में बोल सकता हूं, हमें केवल समय दीजिए, गोपालगंज की तारीख में, उसके इतिहास में ये जो पुलिस एक्शन हो रहा है उसको गोपालगंज की जनता हमेशा याद रखेगी।
किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इस जात का, उस जात का, इस दल का, उस दल का, इस मजहब का, उस मजहब का, जो अपराधी है उसको नहीं छोड़े, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े। लेकिन ये 25 को घटना, 24 को घटना होती है, 25 को लाश जलती है, 26 को फिर एक हत्या हो जाती है। वो होती है मुन्ना तिवारी की हत्या हथुआ थाना में, रेपुरा गांव में, और इसमें 4 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है। 4 आदमी को जो अभियुक्त बनाया गया है उसमें से एक जयप्रकाश चौधरी भी हैं, जो बादी हैं। एक दिन पहले जो उनके भाई की, उनके मां की, उनके पिताजी की हत्या हुई, जिसमें साजिशकर्ता के रूप में पप्पू पांडे का नाम है, माननीय विधायक का, उसी तरह से उसके दूसरे दिन यानी 26 को जो सतीश पांडे के आदमी मारे जाते हैं, मुन्ना तिवारी जो उनके मौसेरे भाई हैं, उसमें साजिशकर्ता के रूप में फिर जयप्रकाश चौधरी का नाम दिया जाता है, कि चूंकि इनके माताजी, पिताजी और भाई की हत्या हुई, तो दूसरे दिन प्रतिशोध में इन्होंने सतीश पांडे के मौसेरे भाई मुन्ना तिवारी की हत्या करवा दी। मतलब लगातार देख लीजिए घटना, मतलब मर्डर 5 होते हैं, 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं और 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। लगातार 9 तारीख को, 24 तारीख को और 26 तारीख को 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं, 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। अब जो जयप्रकाश चौधरी के माताजी, पिताजी और भाई की हत्या जो हुई है, उसमें पप्पू पांडे साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए, और सतीश पांडे के मौसेरे भाई जो मारे जाते हैं, उसमें जयप्रकाश चौधरी साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए। उनको याद रखिए कि गोली भी लगी है, उनका इलाज भी चल रहा है। तो घटनास्थल पर तो ये भी नहीं थे, तो बिना अनुसंधान किए साजिश के बिंदु पर विधायक पप्पू पांडे को जेल भेज दिया जाए, बिना अनुसंधान किए सिर्फ FIR में नाम आने के आधार पर साजिश करने के आरोप में बिना साक्ष्य जुटाए जयप्रकाश चौधरी को भी जेल भेज दिया जाए। ये दोनों बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। बाकी ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तारी के लिए कोई भी बाकी नहीं है। और गोपालगंज से हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी जाति के हों, किसी दल के हों, किसी मजहब को, अपराध और सच बोलना सीखिए, सच का साथ देना चाहिए। अपराध और अपराध की संस्कृति के खिलाफ मैं आज से नहीं लड़ रहा हूं। मैंने 33 साल की सेवा कंप्लीट की है और हमने अलग अलग मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। हमने माननीय लालू प्रसाद यादव भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी भी हमारी मुख्यमंत्री रही, और अब माननीय हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। मैंने व्यक्तिगत रूप से आज तक, मैं विनम्रता के साथ कहता हूँ, 33 केस का रिकॉर्ड खत्म नहीं होता, वो आज भी होगा। 10 जिलों में SP रहा हूँ, 20 जिलों में मैंने DIG के रूप में, IG के रूप में सेवा दी है, लगातार फील्ड में रहा हूं। और मैं यही कहूंगा कि एक भी कोई केस का उदाहरण आप निकाल लीजिए जिसमें हमने किसी दोषी को, गुंडा को, कातिल को, अपहरणकर्ता को, अपराधी को, संगठन का, गुंडों का गिरोह चलाने वाले को छोड़ दिया हो, या एक भी उदाहरण दीजिए जिसमें किसी निर्दोष को मैंने जानबूझ करके जातिगत भावना से या दलगत भावना से किसी को फंसा दिया, एक भी उदाहरण। नहीं करने ऐसी जलीलत वाली नौकरी छोड़ दूंगा मैं, एक भी उदाहरण। किसी अपराधी को, अपहरणकर्ता को, क्रिमिनल को कभी संरक्षण दिया हो? किसी मामले में कभी कोई जात पात के नाम पर मैंने भेदभाव किया हो? मैंने तो 33 साल में अपनी जात का एक आदमी अपने साथ बॉडीगार्ड के रूप में आज तक नहीं रखा।
मेरे साथ मुसलमान होते हैं, दलित होते हैं, जादव होते हैं, दूसरी अति पिछड़ा कास्ट, मैं तो ये सब सोचता भी नहीं, लेकिन जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उस भाषा में समझा रहा हूं। जात, दल, मजहब, संप्रदाय के आधार पर कभी भेदभाव मैंने किया? यहां अकलियत समाज के भी लोग बहुत भारी संख्या में बिहार में, मैं चुनौती देता हूं एक एक आदमी को, 33 साल में कहां कहां इस पर रहा हूं आपको सबको पता है, एक कोई अकलियत का आदमी खड़ा होकर कह दे कि मैंने कभी उसको उसके साथ किसी तरह का भेदभाव। सैकड़ों बार इस सूबे को फसाद से बचाया है मैंने, अपनी जान को जोखिम में डाल डाल करके, और गोपालगंज भी इसीलिए गया था। और ऐसे आदमी का अगर मनोबल तोड़िएगा हम कैसे काम करें? कभी किसी दल का कोई जनप्रतिनिधि हमसे मिलने आया हो मैंने उसका स्वागत नहीं किया, मैंने उसकी बात नहीं सुनी हो, मैंने उसका सम्मान नहीं किया हो, किसी जात या किसी दल के नेता के प्रभाव में आकर के किसी साथ मैंने अन्याय किया हो? बिहार में जितने चुनाव हुए सब मैंने कराए हैं, चाहे एसपी के रूप में, चाहे डीआईजी के रूप में, चाहे आईजी के रूप में। एक गांव के स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के किसी कार्यकर्ता और किसी राजनेता ने मेरे पर किसी प्रकार का पक्षपात करने का आरोप लगाया हो, किसी को मैंने लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई काम किया? अब ऐसे आदमी को भी, निष्पक्ष आदमी को भी काम नहीं करने दीजिएगा तो बिहार का क्या होगा? जो फेसबुक पर गालियां लिखते हैं उनको मैं कह रहा हूं, सोचिए, इजाद के दायरे से बाहर निकलना होगा, नहीं निकलेंगे तो बिहार का क्या होगा? फिर कोई अच्छा काम क्यों करे? बिहार की जनता इस बात पर यकीन करे कि बिहार पुलिस किसी के प्रभाव में और किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। साजिश का अनुसंधान होता है, साक्ष्य जुटाना पड़ता है। कह रहे हैं जयप्रकाश चौधरी जी, हमको मुकेश पांडे ने, पप्पू पांडे ने एक जगह पर रोक करके और हमको धमकी दी, जिस दिन इस बात का साक्ष्य मिल जाएगा, और साक्ष्य जुटाना तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत आसान है, और इसके अलावे भी जो भी साक्ष्य दे सकते हैं दें, निष्पक्ष अनुसंधान होगा। बड़े से बड़े बाहुबली किसी को सरकार ने बचाया क्या? कहां से कहां गए लोग? कोई नहीं बच सकता। लेकिन इसको जात, दल, मजहब के चश्मे से कृपया ना देखें, बहुत विनम्र मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, हम लोग भी बहुत ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बिना सोचे बिना जाने, मैंने बता दिया ना, गिरोहों की वर्चस्व, गिरोह मैंने पाला है, गिरोह मैंने पैदा किया है, मैं किसी गिरोह को रखता हूं? डीजीपी, आप सोचिए, 35 साल से नौकरी में हूं ना, एक दिन से थोड़े हूं, जहां रहा आम जनता का आशीर्वाद रहा, और मेरी औकात तो बस इतनी ही है, आम जनता का आशीर्वाद, मैं 12 करोड़ की जनता का सेवक, उनके चरणों का धूल हूं, इससे बड़ी औकात मेरी है ही नहीं, बस इतनी ही है मेरी। और कुछ लोग गलत, जैसे संवैधानिक पद पर जो लोग हैं उनको कुछ लोग गलत सूचना देकर के गुमराह कर देते हैं, मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन उनको गलत सूचना देकर के, रमाश सिंह हत्याकांड, ये राजकुमार हत्याकांड, उपेंद्र सिंह हत्याकांड, अरुण कुमार सिंह हत्याकांड, अनिल तिवारी हत्याकांड, इसमें सब में पप्पू पांडे को नाम लेकर के, अब ये गलत सूचना जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार आदमी को देते हैं वो उनके शुभचिंतक नहीं है, उनको सत्यापन इसका करना चाहिए। मैं सिर्फ बता दूं, इसमें किसी भी कांड में विधायक पप्पू पांडे नामजद अभियुक्त नहीं है, कहीं से भी FIR में उनका नाम नहीं है। तो ऐसे कांडों के बारे में, और जो सतीश पांडे की बात कर रहे हैं, तो सतीश पांडे का मैंने आपराधिक इतिहास मंगाया, ये वो सतीश पांडे हैं जो 45 केसों में इनका नाम है, अभी ये वांटेड नहीं है किसी केस में, सब में बेल ले लिया, वो अलग बात है, मुकदमे कोर्ट में अलग बात है, लेकिन ये सतीश पांडे पर 45 केस हैं, और केस चोरी के हैं, डकैती के हैं, आर्म्स के हैं, हत्या के हैं, हत्या के प्रयास करने के हैं, अपहरण के हैं,
तो सतीश पांडे अपराधी हैं, और जिस दूसरे माननी की बात कर रहा हूं उनके भी आपराधिक इतिहास है, मुकेश पांडे के भी आपराधिक इतिहास है। तो जो जिसका आपराधिक इतिहास है उसके साथ समझौता करने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। अब मेरा क्या है, हम पर भरोसा रखिए और इस बात का भी भरोसा रखिए कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं है, सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है एक एक आदमी को चुन करके निकालिए जो गुंडों का, क्रिमिनल का और ऐसे अपराधियों का रैकेट चलाता है, चाहे वो किसी जात का हो किसी मजहब का। स्पष्ट खुला हाथ है पुलिस को, हमें काम करने में सहयोग करें। और अंत में जनता से मैं यही कहूंगा कि मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है, आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, लेकिन इतना प्यार न करिए कि लोग जलने लगे। मैं आपका सेवक हूं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और मैं बाकी लोगों से कहूंगा, सब लोगों से, कुछ भी लिखने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले ये ध्यान में रखिए कि काम करने वाले पदाधिकारियों का अगर मनोबल टूटेगा ये बिहार के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा आप सबों को प्रणाम।